नमस्कार, मैं मुमताज ज़वेरी, इंडिया लाइव न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। डालते हैं नजर अब की खबर पर। रामपुर में रेलवे में टीसी की नौकरी का झांसा देकर एक युवक को 20 लाख लेकर ठगने का मामला सामने आया है। हम आपको दिखाते हैं हमारी एक रिपोर्ट। रामपुर में योगी राज में अपराध है कि थमने का नाम नहीं ले रहे। ताज़ा मामला तांडा थाना क्षेत्र के ग्राम मजरा पिपली से आया है, जहां रेलवे में टीसी के पद पर नौकरी का झांसा देकर 20 लाख की ठगी कर आरोपी फरार हो गए हैं। पीड़ितों ने कोतवाली में मामला दर्ज करवाकर इंसाफ की गुहार लगाई है। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मजरा पिपली नायक निवासी रामचंद्र पुत्र घन सिंह ने आरोपी जगदीश सिंह निवासी ग्राम मुआना, अमरोहा निवासी रघुवर सिंह, नरेंद्र नरेश सतपाल के खिलाफ रेलवे में टीसी के पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर 20 लाख रुपए की ठगी करने की रिपोर्ट कराई है और बताया कि आरोपी ने दिसंबर 2014 में नौकरी के मीठे मीठे बोल सुनना सभी को अपने झांसे में लिया और कहा कि एक नौकरी लगाने के लिए खर्च 10 लाख होता है। इस पर हमने बेटे और अपने दामाद दिनेश कुमार पुत्र दुल्ली चंद्र निवासी ठाकुर द्वारा के लिए 2 लाख उनको दे दिए। कुछ दिन सब कुछ सही चलता रहा। एक दिन अचानक पुलिस ने छापा मारा और सभी को थाने लेकर चली गई और बताया गया कि किस प्रकार हमारे साथ धोखा किया गया है। जब परिजन आरोपी जगदीश सिंह के पास पहुंचे तो आरोपियों ने उनको जान से मारने की धमकी देने लगे। ये थाना टांडा क्षेत्र में एक 20 लाख रुपए की ठगी नौकरी के नाम पर होने की घटना प्रकाश में आई है। 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और जाँच इसमें जारी है। नौकरी के लिए मतलब रेलवे में नौकरी लगवाने के लिए 10 लाख रुपए लिए थे कि हम रेलवे में नौकरी लगवाएंगे हावड़ा में कोलकाता में। तो वहाँ पर ट्रेनिंग कराई थी, फिर वहाँ पर पुलिस आई थी, हमें पकड़ कर ले गई थी। वो बोल रहे थे कि सब फर्जीवाड़ा है, तो वहाँ से फिर हमें भेज दिया गया था। फिर बाद में पता चला कि ये फर्जीवाड़ा है। कितने लोग थे वहाँ ट्रेनिंग में आपके साथ? ट्रेनिंग में थे बहुत लोग थे और वहाँ के भी थे कुछ, और हमारे यहाँ से थे 4-5 जने थे बस। तो अभी हुआ जब वहाँ से वापस आ गए थे, जब कुछ वहाँ पर कोई था ही नहीं तो मतलब वहाँ से भेज दिया गया था, पुलिस वालों ने भेज दिया था कि जाओ ये फर्जीवाड़ा है, तो तब से एहसास होने लगा था। इस मामले में पीड़ित परिवार की ओर से सभी 5 आरोपियों के खिलाफ विरुद्ध नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने और जान से मारने की धमकी देने के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश के रामपुर से सुरेश कुमार दिवाकर की रिपोर्ट। इंडिया लाइव न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। मुमताज ज़वेरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।